गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें इस समय हमारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आज अपन इलस्ट्रेशन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। फैंसी टॉयज कंपनी दो प्रकार के खिलौने एक्स तथा वाई को बनाते हैं। 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्पादन लागत इस प्रकार से था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड, तीनों हमें खर्चे एक्स तथा वाई के कंबाइंड बता रखे हैं। एक्स प्रकार के खिलौने में प्रत्यक्ष सामग्री की लागत वाई प्रकार के खिलौने में प्रत्यक्ष सामग्री की लागत से दुगनी है। वाई प्रकार के खिलौने का प्रत्यक्ष श्रम एक्स प्रकार के खिलौने का 60% था। उत्पादन ऊपर वे एक्स तथा वाई दोनों प्रकार के खिलौने के लिए 30 पैसे प्रति खिलौना थे। ये हमें दोनों के अलग अलग बता रखे हैं। प्रशासनिक ऊपर वे प्रत्येक के खिलौने के लिए डायरेक्ट लेबर का 200% था। सेलिंग ओवरहेड प्रत्येक प्रकार के खिलौने के लिए 25 पैसे प्रति खिलौना था। हमेशा ध्यान रखिए, जो सेलिंग ओवरहेड खर्चा होता है वो टोटल प्रोडक्शन पे नहीं लगता, ये जितने यूनिट्स हमने बेचे होते हैं उस पे लगेगा। वर्ष के दौरान उत्पादन था एक्स में 40,000, जिसमें से 36,000 खिलौने बेचे। हमने टोटल प्रोडक्शन किया था 40,000 और बेचे हमने 36,000, तो 4,000 हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमें खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट नहीं दे रखा था। यदि हमें डायरेक्ट दे रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः हमें क्लोजिंग स्टॉक को प्रोडक्शन में से जितने भी यूनिट्स हमने बेचे उसको घटा के ही निकालना पड़ता है। और वाई में 120,000 हमने खिलौने बनाए थे, जिसमें से हमने 100,000 खिलौने बेच दिए, तो शेष खिलौने हमारे 20,000 बचेंगे। विक्रय मूल्य एक्स प्रकार के खिलौने का 7 रुपये प्रति खिलौना और वाई प्रकार के खिलौने का था 5 रुपये प्रति खिलौना। प्रत्येक प्रकार के खिलौने के लिए प्रति खिलौना उत्पादन लागत तथा प्रत्येक प्रकार के खिलौने पर हुए लाभ को दर्शाते हुए एक लागत पत्र तैयार करना है। क्वेश्चन में हमें दो टाइप के खिलौने दे रखे हैं, टाइप एक्स और टाइप वाई। टाइप एक्स में हमारा प्रोडक्शन था 40,000 खिलौनों का और टाइप वाई में हमारा प्रोडक्शन था 120,000 खिलौनों का। हमने यहाँ पे टाइप एक्स में 3 पार्ट्स में हमने बांटा है। नंबर ऑफ टॉयज पर टॉय कॉस्ट कितनी आएगी हमारी और टोटल अमाउंट का। इसी प्रकार से हम टाइप वाई में निकालेंगे नंबर ऑफ टॉयज पर टॉय टोटल अमाउंट। जनरली हम टोटल का कॉलम नहीं बनाते, इस क्वेश्चन में हमने टोटल का कॉलम इसलिए बनाया है नंबर ऑफ टॉयज का कि यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के हमें टॉयज बता रखे हैं। यदि हमें एक ही प्रकार का टॉय बता रखा था तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि हमें इतने प्रकार के खिलौनों का प्रोडक्शन किया है, लेकिन दो अलग अलग है इसलिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ा नंबर ऑफ टॉयज का। पर्टिकुलर सी हमने एक और शीट बना ली। सबसे पहले अपन लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के लिए आपसे कहता है डायरेक्ट मटेरियल हमें टोटल तो बता रखे हैं 2,00,000 रुपए, जिसमें से ये कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल एक्स प्रकार के खिलौने में प्रत्यक्ष सामग्री की लागत वाई प्रकार के खिलौने में प्रत्यक्ष सामग्री की लागत से दुगनी है। दो अलग अलग टाइप के खिलौने हैं एक्स तथा वाई। एक्स में यदि आपका डबल लगता है तो वाई में उसका जस्ट हाफ लगता है, 2:1। अब हमारी जो कॉस्ट है वो है 2,00,000 रुपए। हम यदि दोनों प्रकार के खिलौनों का प्रोडक्शन सेम होता तो हम अपने खर्चे को 2:1 में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रकार के जो खिलौने हैं उनका प्रोडक्शन हमने अलग अलग किया है, इसलिए हम प्रोडक्शन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 40,000 मल्टीप्लाई 1,00,000, 20,000, 80,000 और 1,20,000 और ये रेशियो बना हमारा 2:3 का। तो हम 2,00,000 रुपए को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। यदि अपन 2,00,000 को 2:3 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 80,000 रुपये और 1,20,000। अब हम इसकी निकालेंगे पर टॉय कॉस्ट, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 2 रुपये और यहाँ पे आ जाएगी हमारी 1। यही आप कह रहे थे पर यूनिट से क्लियर हो रही है ये वाली चीज कि हमारा जो टाइप वाई था खिलौना उसकी कॉस्ट टाइप एक्स से जस्ट हाफ थी। डायरेक्ट मटेरियल के बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस या लेबर। डायरेक्ट वेजेस हमें बता रखी है टोटल 1,12,000।
1000 रुपए, दो प्रकार के क्लोन है, टाइप एक्स और टाइप वाई। हमें ये कहता है कि वाई प्रकार के खिलौने का प्रत्येक श्रम एक्स प्रकार के खिलौने का 60% था, अर्थात वाई में 60 था तो एक्स में था हमारा 100। इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 40,000 और 60 × 120,000। यदि अपन इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका जो रेशियो बनेगा वो होगा 5:9। अब हम अपनी 1,12,000 को 5:9 में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा खर्चा आएगा 40,000 रुपये और यहाँ पे 1,12,000। 60 पैसे आपके भाई 1,12,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 करेंगे 40,000 तो 1। ये हमारी कहलाएगी प्राइम कॉस्ट 3 रुपये, 1,20,000, 1 रुपये 60 पैसे और 2,32,000 रुपये हमारी प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट के बाद हमें ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्शन ओवरहेड। जनरली हम अभी तक फैक्ट्री ओवरहेड लिखते थे, लेकिन कई बार यदि क्वेश्चन में जो टर्म दे रखी होगी आपको उसको ही लिखना चाहिए, तो प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से इसके यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड है प्रति इकाई या प्रति खिलौना 30 पैसे। 40,000 का अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 40,000 मल्टीप्लाई 30 तो आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी अपन 30 पैसे है, दोनों प्रकार के खिलौने में प्रोडक्शन ओवरहेड समान है हमारा 30 पैसे। 30 पैसे को फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 से तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36,000। टोटल जो वर्क्स कॉस्ट होगी हमारी, वर्क्स कॉस्ट को या फैक्ट्री कॉस्ट को, दोनों का मतलब एक ही होता है, 3 रुपये 30 पैसे, 1,32,000, 1 रुपये 90 पैसे और 2,68,000। इसके बाद सॉरी यहाँ पे ना 1,12,000 नहीं आएगा, यदि अपन 60 पैसे को अपन 1,20,000 से करेंगे तो 72,000 आएगा। और एक गलती से पूरी अपनी कॉस्ट गलती होती जा रही है, 1,92,000 और 2,28,000। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमें बता रखा है लेबर का 200%। अब एक्स में लेबर थी 40,000, 40,000 का 10 डबल 80,000, 2 रुपये, 5 रुपये, 30 पैसे और इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगी 60 पैसे था तो 1 रुपये 20 पैसे और 1,44,000। 3 रुपये 10 पैसे, 2,12,000 रुपये, 3,72,000। यदि हम वर्क्स कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से यदि हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है तो उसे माइनस करना पड़ता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक था हमारा, ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 40,000 टॉयज के लिए और क्लोजिंग स्टॉक है 4,000, यहाँ पे 1,20,000 स्टॉक बच रहा है हमारा 20,000 टॉयज का। क्लोजिंग स्टॉक को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय से, 5 रुपये 30 पैसे है तो 4,000 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपये 30 पैसे से तो आपका आएगा 21,200। हमेशा ध्यान रखिए जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका पर यूनिट
कभी भी नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे पर यूनिट लेंगे, पर टॉय यूज करना है तो पर टॉय यहाँ पे कॉस्ट इसकी नील लिखी जाएगी, कैलकुलेट नहीं की जाएगी। और यहाँ पे भी आ जाएगा अपना 5 रुपये 30 पैसे 36,000, 212,000 में से यदि अपन 21,200 को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 1,90,800, 1,03,10 रुपये। और 3,72,000 मल्टीप्लाई 3 रुपये यदि अपन 10 पैसे करेंगे तो आपका आएगा 62,000। और हमारी कॉस्ट हो गई 3,10,000 रुपये 1,20,000 के लिए। ये कहलाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें से कुछ भी नहीं होगा, हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जितनी इकाइयां बेची जाती हैं उन्हीं पे हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें बता रखा है 25 पैसे पर टॉय, 25 पैसे। और हमने बेची है खिलौने 36,000, तो हम 36,000 को यदि 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9,000 रुपये। इसी प्रकार से यहाँ पे भी निकालेंगे 25 पैसे और 1,00,000 खिलौने हैं हमारे 25,000। और हम इसकी निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट। छत्तीस हजार खिलौने 5 रुपये 55 पैसे 1,99,800। वाई में 1,00,000 खिलौने कॉस्ट हो जाएगी 3 रुपये 35 पैसे और 3,35,000 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट होगी। अब सेल्स के लिए हमें बता रखा है कि प्रति खिलौना हमने कितने रुपए में बेचा। हमने एक्स का 7 रुपये और वाई का 5 रुपये बेचा। प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी और नीचे आप लिख देंगे सेल्स। सेल्स के लिए हमें बता रखा है 7 रुपये प्रति खिलौना। तो टोटल निकालने के लिए तो 36,000 मल्टीप्लाई आप 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 52,000 टोटल आ जाएगा आपका। और यदि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 252,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,99,800, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 52,200 रुपये। और यदि हमें पर टॉय निकालना हो तो पर टॉय हमारी प्रॉफिट आएगा 1,45,000। और ये हमने निकाला है 36,000 खिलौने का। इसी प्रकार से हम 1,00,000 खिलौने का भी करेंगे। 1,00,000 यहाँ पे वाई प्रकार के खिलौने के लिए प्रति टॉय सेलिंग प्राइस थी 5 रुपये, टोटल आ जाएगा हमारा 5,00,000। 1,65,000 हमारा प्रॉफिट होगा। और 1,65,000 को यदि अपन 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,65,000। थैंक यू।